तू पसंद नहीं आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट दिन है। सो टुडे इट्स 26 जनवरी रिपब्लिक डे। सो आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे। यार लाइक आई वाज थिंकिंग लाइक इट वाज कितना प्यारा होता था ना यार, कि जब हम छोटे हुआ करते थे यार, स्कूल जाते थे और यार वहाँ पे फिर मतलब ना वाइट यूनिफॉर्म में, और मज़ा भी बहुत आता था स्कूल में। वो सुबह का नेशनल एंथम और अभी मिसिंग है, लेकिन अब तब बहुत मज़ा आता था। आई होप आप सब ने अपना रिपब्लिक डे काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया होगा। यार आज मुझे भी सुबह जाना था एक्चुअली, आज अपना नागपुर में काफ़ी जगह पे मतलब काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे रिपब्लिक डे, एंड सुबह का मेरे को नेशनल एंथम मिली, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा बहुत थोड़ा नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आ गया। मेरे को एक्चुअली एस ओ पी कम्प्लीट करना था, जिसका डेडलाइन अभी दोपहर वगैरह का है समथिंग, तो यार मैं उसमें लग गया था। तो प्लान अभी ऐसा है कि यार सुबह तो जा नहीं पाए तो अभी चलते हैं। तो अभी थोड़ा दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन पहले गाड़ी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यार एक्चुअली घर के पास मेट्रो स्टेशन बन गया है, एक्चुअली बन रहा है। सो उसका इतना धूल आता है ना कि यार गाड़ी पे पूरी धूल की परत जम जाती है। यार भी पहले वो करेंगे, और तो कैसे फैमिली के साथ घूम लेंगे, तो अपना थोड़ा सा रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा उस चक्कर में। एंड फिर शाम को अपने को थोड़ा बाहर जाना है, वो आप ब्लॉग में बने रहो, पता चल जाएगा। सो अभी पहले गाड़ी साफ करने लगते हैं। मेरा आपको धूल बता रहा था ना, वो ये देखो सर, विंडशील्ड का तो प्यार ही हाल बहुत ज़्यादा। फिर इसको पहले साफ करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले गाड़ी पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि इधर साइड कुछ जगह नहीं है। तो पहले गाड़ी पीछे करते हैं, फिर ये देखो मैं ये वाली धूल की बात कर रहा था, हद ज़्यादा धूल हो जाती है, ज़्यादा धूल हो जाती है। यार ये पूरा साफ करता हूँ, फिर मिलता हूँ। वी आर नाउ फाइनली डन, निकलते हैं, तैयार होते हैं। कि मैंने इनको बोला कि जल्दी निकलेंगे, और मैंने ही साफ करके सबसे काफ़ी लेट कर दिया, तो तैयार होकर मिलता हूँ। तैयार हो गए हम सब तैयार, नाउ लेट्स लीव। काफ़ी टाइम हो गया है निकलने में भी, लेकिन चलो अभी निकलते हैं जल्दी से। यार अभी वही आ रहा है अपना तेलंगखेड़े वाला, जहाँ पे अपन पहले जाते थे ना, अपना पहले अपन समोसे खाते थे ना वहाँ के रात को आके। समोसे खाते थे, खाने समोसे फेमस थे वहाँ के। नहीं आज नहीं, क्यों? आज उपास है मेरा। यार मम्मा तुम्हारा आज से तो उपास रहता है यार आपका। जितने तू खा रहा क्या? खा रहा? नहीं रोक रहा मैं वहाँ पे, आते आते खाएंगे, पहले भी घूम लेते हैं। तो ड्राइव पे निकलो, ड्राइव करेंगे। मेरे को लगता है अपने को नहीं जाने मिलेगा पटला। वो देखो पूरा का पूरा बैरिकेड्स लगे हैं यार। अब क्या करना है? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। इधर अपन तो ड्राइव पे निकले थे यार, यहाँ से सामने से लेते हैं। चल कोई नहीं, अपन उधर से घूम के आएंगे यार। लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा है यार, मेरे को लगा था दोपहर हो गई तो इतना होगा नहीं, 5 बजने का आ रहा है, 4:30-5 हो गया, मेरे को लग रहा नहीं था इतना होगा क्राउड। 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को भीड़ रहती ही है। मम्मा मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा खाली रोड है, एक बार ट्राई करके गाड़ी चलाना, एक बार ट्राई तो करो यार। मैं भी अगले साल सोच रहा हूँ बाहर जाने का, तुम गाड़ी नहीं सीखोगे तो फिर तो गाड़ी तो सीखो यार। इतना प्यारा खाली रोड मिल रहा है यार, चला नहीं रहा गाड़ी, चला ना मामा। अरे चुप रह, रख मोबाइल पहले, कहाँ रख रहा बे, मैं वीडियो बना रहा हूँ मम्मा, ऐसा थोड़ी होता है। यार अभी अपन घूम रहे हैं कम से कम 1.5 घंटे से, और अभी लग रही है अपने को भूख। जी तू क्या कहेगा? अपना ये खाएगा, KFC खाएगा, डोमिनोज खाएगा? KFC खाएगा। मम्मा आप, आपके लिए कोई शॉप बताओ, बड़ा वाला ढूंढता हूँ। नाइस,
मम्मी ठीक है चल देते खाना चालू कर। तो यार अपना KFC खाने के बाद एक्चुअली हम लोग और एक डेढ़ घंटा नागपुर के नागपुर में ड्राइव किया, दो तीन बार घूम भी गए। और अभी मम्मी को बहुत दिन से यार अपना एनिवर्सरी में आना था, एक्चुअली प्लांट्स वगैरह का काफ़ी शौक है, तो अभी वो लेने आए हैं। अभी चलो मम्मी के पास चलता है, रुक गया वहाँ पे। चलो कौन सा ले रहे हो, ये वाले? नहीं, एक तो मुझे येलो वाला चाहिए। वो है दूसरी जगह हम झाड़ लेने गए, मम्मी के लॉजिक लेकिन अलग चलते हैं। मम्मी के हिसाब से अगर झाड़ वाले के बिल्कुल एकदम पास में गाड़ी लगाया तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, इसलिए मम्मी ने गाड़ी अभी बोले दूर लगा। अभी हम दूर लगा के खड़े हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ। तो अगर उधर दिख रहा होगा तो वो उधर है मम्मी, ये नहीं है तो कोई आंटी है, तो मम्मी वो उधर कहीं दूर गई उधर साइड में। तो अभी अपना काम है कि इंतजार करना यार, शाम को मेरे को कहीं और भी जाना था और उसके लिए काफ़ी लेट हो गया। अभी देखा हाउ इट वर्क्स, क्योंकि मैंने एक्चुअली आपको बता ही देता हूँ, हम एक्चुअली जा रहे हैं अभी, मतलब एक मेरा स्कूल फ्रेंड है उसके भाई की एक्चुअली शादी है, तो हमको वहाँ का इनविटेशन है। सो अभी मैं ढाके वगैरह मिलने वाले थे, बट अभी यहाँ पे ही काफ़ी लेट हो गया, हमको 6 बजे मिलना था, 6 तो यहाँ पे बज गए, घर जाना पहले रेडी होना पड़ेगा और फिर वहाँ जाना है। लेकिन अभी यहाँ से हो सके तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, आपको भी मैं डायरेक्ट वहाँ पे मिलता हूँ फिर। तो यार अभी अपन घर पहुँच गए, अभी वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। चलो तो रेडी हो गए, अभी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया और चेंज ऑफ प्लान, डायरेक्ट पहुँच रहे हैं अभी वहाँ पे क्योंकि अपने को काफ़ी लेट हो गया है, तो अभी अपन डायरेक्ट पहुँचेंगे। फिर से चेंज ऑफ प्लान, अभी एक्चुअली इनको फिर से पिकअप करना था तो मैं भी आया हूँ, लेकिन अभी एक्चुअली इन लोग मिल नहीं रहे मेरे को, कहाँ हैं, मतलब यही वाला लोकेशन था जहाँ से इनको पिकअप करना था, पहले इनको जल्दी से देखता हूँ, थिंक सो यहीं पर होना चाहिए, ये रहे। टाइम की कोई कदर है कि नहीं भाई? भाई मैं थोड़ा सा लेट हुआ भाई, ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं है, वो चिल्लाएगा अलग, चल नहीं चिल्लाता ना भाई, चल निकले। चलो भाई पहुंच तो गए अपन आखिर में, यहां से नहीं था भाई, मार्केट के अंदर डाल देगा भाई। भाई डीसी अवंती है वो? हां डीसी खड़ी है, हां वो देखना भाई, बढ़िया यार उसके मामा की है। अपन पहुंच गए, वी हैव रीच्ड, अभी चलो शादी के अंदर चलते हैं। चलो जो भैया के शादी में आए थे वो ये अपना भाई है स्कूल वाला आदर्श शुक्ला, कट करके फोटो डालूंगा या सो वो कट के लिए सॉरी। एक्चुअली अभी मैं एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि यार वो शादी के सारे एक्चुअली वीडियोस पता नहीं करप्ट हो गए, तो मेरे पास एक या दो छोटे से क्लिप्स है तो मैंने वही डाला हूँ। और अभी मैं एक्चुअली नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, सो अभी अपन जा रहे हैं एक्चुअली, मेरा एक दोस्त है जो मतलब मैं कल वीडियो में देखा होगा उसको, निर्मल नाम का, वो एक्चुअली अभी जा रहा है मुंबई, वो एक्चुअली वहाँ पे जॉब करता था, वहाँ जा रहा था, अभी उसको ड्रॉप ऑफ करने के लिए अभी अपन स्टेशन जाएंगे, तो उसके भी ट्रेन 8:40 समथिंग का है, सो अभी अपन जल्दी निकलते हैं बिकॉज वी आर लेट। तो भाई अपन पहुँच गए, देखते ये भाई जा रहा अपना, मैं क्या बोला भाई प्लीज जल्दी ना वापस, कम से कम छः महीने हर महीने भाई बुलवाता है भाई छोड़वाने के लिए, अभी लंबा यार है तुम्हारा जो मुझे खींच के ला रहा है तुम्हारा भाई, तू फोन करता है कि मेरे को छोड़ने आ जाओ, इसके शूटर में है भाई। हाँ भाई हाँ, चल भाई बाय, चल बाय बाय। सो अभी निर्मल चले ही है, सो वी आर लिविंग, होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर देना, और मेरे और भी सारे ब्लॉग्स हैं, प्लीज़ डू चेक आउट एंड सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।